बाइबल से लुका रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय लुका 14 और हम पढ़ेंगे उसके 15 वचन से लेकर उसके 24 वचन तक। लुका 14 15 से 24। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को पहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखू, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें फरक नहीं जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो लोग कमरे में उनको बाहर की साइड लेकर आओ ताकि उनको आवाज आए। सभी लोगों को बाहर बुला लो और यहाँ जो बाहर इकट्ठा हो थोड़ा थोड़ा और पास में आ जाओ। जल्दी से कमरे वाले बाहर आ जाओ जल्दी से। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक दो जगह एक दो लोगों की जगह हो जाएगी। यहाँ पर है आजा एक दो लोगों की जगह है। और भी कहा जाएगा संगति में सिर्फ इकट्ठा होना जरूरी नहीं है लेकिन साथ में आराधना वचन भी जरूरी है। अगर हम इकट्ठा हो लेकिन सुन ना सके तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन से हमारे साथ बातचीत करते रहते और आज भी हमारे साथ बातचीत करने वाले, तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। क्योंकि जब परमेश्वर ने इस धरती की शुरुआत की और उन्होंने आदम को बनाया तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने स्वरूप में तो बनाया लेकिन साथ में अपनी समानता में बनाया। और समानता का मतलब होता है कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे परमेश्वर का सामर्थ्य है, जैसे परमेश्वर की सोच है। अगर हम किसी को बोले कि मेरी समानता में, मतलब मेरे जितना ही पढ़ा लिखा है, मुझे जितना आता है इतना इसको भी आता है, मेरे अंदर जितनी शक्ति हो इसके अंदर भी है, तो उसी तरह से हमारे परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपनी समानता में, मतलब जितना परमेश्वर में था वो सब कुछ परमेश्वर ने आदम के अंदर डाला था। लेकिन आदम के अंदर इस तरह से नहीं डाला हुआ था जिस तरह से परमेश्वर के अंदर है। क्योंकि इंसान के अंदर ऐसी बातें है नहीं, वो मिट्टी से लिया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने अपना आत्मा, मतलब जो पवित्र आत्मा है, वो आदम को दिया हुआ था। और पवित्र आत्मा की वजह से आदम जो है वो परमेश्वर की समानता में थे। पवित्र आत्मा की वजह से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा की वजह से आदम जो है वो परमेश्वर की समानता में थे। और परमेश्वर ने बोला था
कि भले और बुरे का जो ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम्हें नहीं खाना है, और जिस वक्त जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन उम्र रहोगे। यह परमेश्वर की आज्ञा है, फल को खाना मतलब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, उनकी व्यवस्था को नहीं मानना, और परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना उसका दूसरा मतलब है पाप करना। और जब इंसान परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मानता वो पाप करता है, तो अंदर जो पवित्र आत्मा है वो पाप के साथ नहीं रह सकते, इसलिए क्या होता है पवित्र आत्मा निकल जाते हैं। अभी क्या हुआ कि भले बुरे का जो पेड़ था उसका फल हवा ने भी खाया और आदम ने भी खाया, खाने की वजह से जो पवित्र आत्मा है वो उनसे निकल गए, और परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो उसी दिन उसी वक्त तक पवित्र आत्मा जो है इनसे निकल गए, हवा भी जिंदा थी, आदम भी जिंदा थे, उसके बाद तो उनको कई सारे बच्चे भी हो गए। आदम 930 साल तक जिंदा रहे लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो मर चुके थे। क्यों मर चुके थे? जिस्मानी जीवन था, आत्मा का जीवन नहीं था। जो पवित्र आत्मा थे वो पवित्र आत्मा उनसे निकल गए थे। पवित्र आत्मा का निकल जाना मतलब कि परमेश्वर के हिसाब से उसे मुर्दा कहा जाता है। इंसान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो खाना तो खा लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, जीवन भी जी लेता है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वो इंसान जो है वो मुर्दा है। तो पवित्र आत्मा निकल गए और आदम और हवा दोनों कैसे हो गए? मुर्दा अवस्था में आ गए। उसके बाद समय चलते प्रभु यीशु इस धरती पर आए, फिर प्रभु यीशु इस धरती पर आकर जितना उनको जीवन जीना था वो जीवन जीकर मरकर तीसरे दिन जिंदा होकर वो वापस जहाँ से आए थे वहाँ पर स्वर्ग में भी चले गए, और अब प्रभु यीशु जो है वादा कर कर गए कि मैं एक बार फिर आऊँगा। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले। जो शुरुआत की कलीसिया थी, हम तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं ना, ये शुरुआत की कलीसिया जब एक दूसरे को मिलती थी तो ऐसा बोलती थी माराना था, मतलब कि प्रभु यीशु आ रहे, एक दूसरे को हौसला देते थे याद रखना कि प्रभु यीशु आ रहे। तो हमारे प्रभु यीशु जो है एक बार फिर हमको लेने के लिए और जो उनको नहीं मानते उनका नाश करने के लिए वो आ रहे। लेकिन प्रभु यीशु के आने से पहले एक घटना और होने वाली है, और वो घटना ये है कि प्रभु यीशु के आने से पहले मसीह का विरोधी जो है वो मसीह का विरोधी आने वाला है। और ये मसीह का विरोधी जो है उसका आना उस वक्त था जिस वक्त प्रभु यीशु की मौत हो गई थी। जिस वक्त प्रभु यीशु की मौत हो गई थी उसी वक्त इस मसीह का जो विरोधी है उसको इस धरती पर अपने आप को वो प्रकट होना था। क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं बाइबल से दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 9वां अध्याय, दानियल 9 और पढ़ो तो कोई 24 से। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ, परमेश्वर को दानियल से बात करते हैं कि तेरे लोगों के सिर और तेरे पवित्र नगर वालों के लिए परमेश्वर ने 70 सप्ताह वो ठहराए हुए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। ये 70 सप्ताह के बाद ऐसा होगा कि अपराध बंद हो जाएंगे और पापों का अंत, पाप का अंत हो जाएगा और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा एक एक शब्द को ध्यान से समझना तो पता चलेगा, पाप बंद हो जाएगा, अपराध बंद हो जाएंगे। अभी ये दोनों का बंद हो जाएगा। जब तक शैतान है तब तक कभी भी पाप गुना बंद नहीं हो सकते। इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जब शैतान का मैं नाश कर दूंगा उसके बाद की बात है, और जब प्रभु यीशु दूसरी बार आने वाले हैं
तो प्रकाशित वाक्य में यही बात लिखी है, उसका 20वां अध्याय और पढ़ो तो उसका पहला दूसरा तीसरा वचन। फिर मैंने एक स्वर्ग को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बंध दिया और उस अथाह खून में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। यहाँ पर लिखा है कि पहले प्रभु यीशु आएंगे उस शैतान को इबलिस को उसको 1000 साल के लिए बंद कर देंगे और फिर परमेश्वर इस धरती के ऊपर 1000 साल का अपना राज लेकर आएंगे। इसका मतलब आने से पहले शैतान को बांध देंगे। तो जो दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसका 9वां अध्याय उसका 24वां वचन तो लिखा है कि अपराध बंद हो जाना, पापों का अंत होना, ये सब तब होगा 70 सप्ताह के बाद। और हमारे यहाँ जो सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, लेकिन इब्रानी लैंग्वेज में सप्ताह और साल दोनों के लिए एक ही शब्द है और यहाँ पर जो उसका मतलब निकलता है वो साल निकलता है। 1 सप्ताह मतलब 7 साल। तो यहाँ पर लिखा है कि 70 सप्ताह के बाद मतलब 490 साल के बाद, 490 साल के बाद ऐसा होगा कि अपराध बंद हो जाएंगे, पापों का अंत हो जाएगा, मतलब शैतान को बांध दिया जाएगा। शैतान को बांधना मतलब तुरंत प्रभु सुखाना, मतलब ये कहने के लिए वचन जा रहा है कि प्रभु सुख का दूसरा आगमन जो है वो 70 सप्ताह के बाद होगा। फिर क्या लिखा है? और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, हाँ, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, हाँ, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, ये प्रभु यीशु की बात है। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, हाँ, अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे, हाँ, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उस 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त पुरुष मतलब प्रभु यीशु काटा जाएगा। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ोगे, अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं इसलिए डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ऐसा लिखा है पहले 7 सप्ताह, फिर उसके बाद लिखा है और 62 सप्ताह, 62 और 7 मतलब 69 सप्ताह के बाद अभिषिक्त जो पुरुष है मतलब प्रभु यीशु जो है उनको काट दिया जाएगा, मतलब उनको मार दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु के क्रूस पर जो बलि होने वाली थी उसके लिए 69 सप्ताह, तब 69 सप्ताह खत्म हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु की मौत तो हो गई, उस वक्त प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के लिए 70 सप्ताह ठहराए हुए थे, उसमें से 69 सप्ताह तो बीत गए। फिर आगे क्या लिखा है? और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो कर देगी। आने वाले प्रधान मतलब मसीह का विरोधी, हाँ, परंतु उस प्रधान का अंत होगा, अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए लोगों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। देखो 1 सप्ताह आखिरी सप्ताह 70वां सप्ताह इस प्रधान मतलब मसीह के विरोधी का है और उसके बाद प्रभु यीशु को आना है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु आने वाले तो है, लेकिन उनसे पहले आखिरी सप्ताह मतलब 7 साल जो है वो मसीह के विरोधी को दिया गया है और 69 सप्ताह वो प्रभु यीशु की मौत पर खत्म हो गए। तो जिस दिन प्रभु यीशु की मौत हो गई उसी वक्त मसीह के विरोधी को इस संसार में आना था, इस संसार में अपने आप को प्रकट करना था, लेकिन आज तक वो प्रकट नहीं हुआ। कारण ये था वो तो होना ही चाहता था लेकिन उसको पवित्र आत्मा ने रोक लिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2वां अध्याय, 2 थिस्सलुनीकियों इसका 2वां अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो,
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। क्या लिखा? उसको रोका गया है, उसको पवित्र आत्मा ने रोक लिया। अभी नहीं प्रकट होना है तुझे, अभी कुछ काम बाकी है, अभी तुझे प्रकट नहीं होना है। तो मसीह का विरोधी जो है 69 सप्ताह के बाद उसको प्रकट होना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने आकर उसे रोक दिया। और क्या लिखा? जब तक रोकने वाले को बीच में से नहीं हटाया जाएगा, मैं जब तक पवित्र आत्मा वहां से हट नहीं जाएंगे तब तक वो रुका रहेगा, उसको रोका जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य में यही बात लिखी है, उसका 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्ग खड़े देखे, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्ग को जीते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया, जिसको हानि करने का अधिकार दिया है, यहाँ पर स्वर्गदूत शब्द नहीं है, सही में से दूत शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत लिखा है वो मसीह के विरोधी के लोग है और उनके साथ उनको ऐसी आज्ञा दी गई है जो धरती को परेशान करे। लेकिन फिर क्या लिखा है? ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। हाँ, जो और स्वर्गदूत जो कोई आत्मा दिखाई दिए उन्होंने उन चारों को रोक लिया। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुँचाना। पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला कि जब तक मैं मेरे परमेश्वर के लोगों को, उनका भय मानने वाले लोगों को, उनके भक्त जनों को, उनके सेवकों को, जब तक मैं उनके सर के ऊपर मुहर ना लगा दूं, तब तक तुम्हें कोई काम नहीं करना है। हालेलुया। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे। पवित्र आत्मा ने मसीह के विरोधों को रोक लिया, जब तक मैं मुहर वाला काम खत्म ना करूं तब तक तुझे काम नहीं करना है। इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा का एक युग, पवित्र आत्मा का काम करने का एक वक्त यहां से शुरू हुआ। पहले भी था काम, लेकिन अभी सिर्फ पवित्र आत्मा का एक ऐसा काम कि परमेश्वर के लोगों को एक मुहर देनी है, परमेश्वर के लोगों के सर के ऊपर एक निशान करना है। और वो निशान ऐसा है कि उस निशान के जरिए इंसान को परमेश्वर का है कि नहीं वो पता चलेगा। जिसके सर के ऊपर एक पवित्र आत्मा की मुहर होगी यह दृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके सर के ऊपर वो मुहर है वही स्वर्ग में जाएगा, दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का मुहर देने का काम उस वक्त से शुरू हुआ जब मसीह के विरोधी को खड़ा होना था, उसे रोक लिया गया। अभी नहीं, जब तक मैं मेरा काम खत्म ना कर दूं तब तक तुझे काम नहीं करना है। तो अभी पवित्र आत्मा का मुहर देने का काम जो है वो शुरू है। हालेलुया। और वो होते होते आज तकरीबन 2000 साल होने को आए और पवित्र आत्मा का काम अभी भी चल रहा है। ये पवित्र आत्मा है क्या? ये पवित्र आत्मा की मुहर है क्या? और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरंथी उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। ये पवित्र आत्मा जो है वो तो बयाना है। किस बात का बयाना? कि हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में परमेश्वर का इतना बड़ा भंडार भरा हुआ है, स्वर्ग में परमेश्वर की इतनी संपत्ति है जिसका अंदाजा हमें है नहीं, और परमेश्वर सब कुछ हमें देना चाहते हैं। लेकिन वो देने से पहले जो पहले हमको दिया जा रहा है वो है बयाना। और ये बयाना हमारे पास होगा तो उसको दिखाकर हम बाकी की संपत्ति ले सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे बहुत कुछ रखा है। प्रभु सुन बोला ना, मैं स्वर्ग में क्या जगह क्या तैयार करने के लिए जा रहा हूँ?
परमेश्वर ने ऐसा बुलाई नहीं, मैं जगह तैयार कर रखे जा है। चलो अभी पढ़ी लो ये वचन, यूहन्ना 14 और पहले वचन से पढ़ो तो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। क्या लिखा है प्रभु क्या बोलते हैं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। जगह तैयार करने के लिए जाना, ना होता तो मैं बोलता। ये इतना दिमाग में घुसा लिया है लोगों ने कि प्रभु जगह तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए नहीं गए, है जगह ऐसा बोल कर गए, ना होती तो मैं बोलता ऐसा लिखा है। लेकिन लोग भी ऐसा प्रचार करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये बात घुस गई, तो सही में वहां तो जगह है। हालेलुया। अभी सैमसन भाई ने बहुत अच्छी गवाही दी कि मेरा घर बन गया, मेरी ताकत नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये घर चाहे उन्होंने खरीदा लेकिन सौदा मैंने किया था, यहाँ पर इसके मकान मालिक के साथ सौदा करने के लिए मैं आया था, वो ध्यान समझ। अभी देखो ये घर है ना, कुछ लोग बाहर बैठे, कुछ लोग किचन में बैठे, कुछ लोग बाजू वाले कमरे में बैठे है ना, हमें कुछ छोटा पड़ता है। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर ने हमारे लिए ऊपर जो घर बनाया हुआ कैसा होगा, उसको साल में, दो साल में, चार साल में कभी कलर करने की जरूरत होगी नहीं है ना, कभी उसकी टाइल्स या पत्थर कभी निकलेंगे है ना। अभी हम तो हमको तो मालूम नहीं वहां पर पता कैसे कैसे और किस तरह से परमेश्वर बनाएंगे, किस कैसा बनाया होगा, हमें तो मालूम ही नहीं है ना, हमने देखा ही नहीं। लेकिन इस घर को जब देखते हैं ना तो मुझसे मालूम लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया घर है, बहुत बढ़िया घर है, भी बढ़िया। लेकिन अगर ये बढ़िया है तो परमेश्वर वाला कैसा होगा है ना, परमेश्वर वाला तो अनेक गुना होगा। तो वो संपत्ति हमारे परमेश्वर को देने के लिए जा रही, तो वो लेने से पहले परमेश्वर हमको क्या दे रहे, एक बयाना दे रहे, बयाना दिखाओ तो ये मिलेगा। भाई साहब घर खरीदने के लिए आए, इन्होंने 50,000 में क्या किया, 50,000 बयाना दिया, अभी घर मेरा, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो बयाना से क्या पता चलता है, हाँ बाकी का मिलने वाला है, लेकिन बयाना हो ना हो तो हमारे पास बयाना होगा तो पता चलेगा ना कि स्वर्ग में मिलने वाला है, बयाना नहीं हो तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है, मुहर क्या है, ये बयाना है हमारा। फिर दूसरे कुरंथी में ऐसा लिखा है, दूसरा कुरंथी उसका 5वां अध्याय उसका 5वां वचन, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। एक बार फिर लिखा है कि बयाने में क्या दिया है, आत्मा। हालेलुया। आज पूरा वचन जो पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान से समझ सकते कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने के लिए बयाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है तो ही हम स्वर्ग में जा सकते, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, इतना ही नहीं लेकिन परमेश्वर इस जगह पर भी अगर हमारा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, अपने आत्मा से इस्तेमाल करते, हमारा इस्तेमाल भी बिना पवित्र आत्मा हमारे परमेश्वर जो है वो कभी भी नहीं करते। बाइबल में देख लिया जितने लोगों का इस्तेमाल किया वो सभी को परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा, और शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा पूरे बल से उतरा, गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, जो प्रेरित लोग थे 120 लोग जहां पर इकट्ठे होते उन वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उनको बोलकर गए थे जब तक पवित्र आत्मा ना आए निकलना नहीं। हालेलुया। कोई बातचीत मत कर रहा। तो परमेश्वर क्या कहते कि अपना काम वो पवित्र आत्मा के बिना करवाते भी नहीं, उसके बिना स्वर्ग तो नहीं जा सकते, लेकिन इस धरती पर भी पवित्र आत्मा के बिना हमारे परमेश्वर हमसे कोई काम नहीं लेते, हमसे काम तभी करवाते जब पहले हमें पवित्र आत्मा देते ताकि हम काम कर पाए। क्योंकि प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है उसका 1वां अध्याय और उसका 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ कौन सा? परमेश्वर का काम करने का सामर्थ। बिना पवित्र आत्मा हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। तो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया जाता है इस धरती के ऊपर? एक तो बयाना है, दूसरी बात इस धरती पर परमेश्वर का काम करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा से ही हमें सामर्थ मिलता है। और पौलुस क्या बोलते हैं? फिलिपी में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका चौथा अध्याय और कोई 11 से पढ़ो। यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मेरी गति के कारण मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास जो भी है या मेरी जो भी अवस्था है उसमें संतोष से रहने के लिए मैं जानता हूँ। फिर मैं दीन होना भी जानता हूँ। हाँ, ये पौलुस ऐसा कहते हैं, मैं गरीब होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हाँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना। हाँ, सब दशाओं में तृप्त होना। पैसा है तो पैसों में तृप्त होना, नहीं है तो गरीबी में तृप्त होना, खाना है तो खाकर तृप्त होना, नहीं है तो भूखे होकर तृप्त होना, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। और बढ़ना घटना सीखा है। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है। जो मुझे सामर्थ देता है मतलब कौन? पवित्र आत्मा। हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उस पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, पवित्र आत्मा बयाना है और साथ साथ में पवित्र आत्मा से ही हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें चाहिए। प्रभु उसने अपने चेलों से एक बात कही थी, एक बात बताई थी, और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 वचन। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। क्यों देंगे? आगे पढ़ो। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हाँ, प्रभु उसने ऐसा बोला था अपने चेलों से कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा वो हमेशा के लिए वो देंगे। देखो, प्रभु उसने ऐसा कहा था, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? विनती, ताकि तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दिए जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर से विनती करूंगा, मेरे पिता से विनती करूंगा कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए दे। प्रभु यीशु ऐसा बोलते कि मैं विनती करूंगा। और ध्यान समझना कि प्रभु से विनती की और पवित्र आत्मा आ भी गए, लेकिन सही में पवित्र आत्मा जो है वो कौन पा सकता है? ये जो पवित्र आत्मा है वो कौन पा सकता है? आगे पढ़ो उसका 17 वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। वो ध्यान समझना, संसार जो है वो पवित्र आत्मा को पा नहीं सकता। हालेलुया। अभी देखो, संसार मतलब क्या? परमेश्वर ऐसा कहते हैं संसार उसे पा नहीं सकता, तो संसार मतलब समाज हो गया। पवित्र आत्मा समाज के लिए नहीं, पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। वो लेडी से जेंट्स से जो भी है, लेकिन पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए नहीं। इस संसार में ऐसे नहीं देते हो, जो इस संसार के ऊपर समाज के ऊपर पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं, एक एक व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि संसार उसे पा नहीं सकता, फिर क्योंकि वह न उसे देखता है। देखो, संसार नहीं पाने का मतलब ये है, क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि उसको देखता नहीं है और न उसे जानता है। और न उसे जानता है, वो ध्यान समझना कि पवित्र आत्मा उसको जो लोग नहीं जानते और जो उसको नहीं देख सकते उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलते। हालेलुया। समझ में आ रही बात? कि पवित्र आत्मा को लोग देख नहीं सकते और जो पवित्र आत्मा को जानते नहीं ऐसे लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। फिर तुम उसे जानते हो, लेकिन प्रभु उसने अपने चेलों से कहा तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा और वो तुम में होगा। संसार उसे पार नहीं सकता। अभी सही में संसार की बात नहीं है, संसार में रहने वालों की बात है। जो सांसारिक लोग है, संसार में रहने वाले सांसारिक लोग, जो संसार की बातों पर मन लगाते हैं, जो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, जो संसार के नीति नियमों पर चलते हैं, जो संसार की बातों पर चलते हैं,
जो शरीर की बातों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर संसार कहते हैं। सांसारिक लोग, शारीरिक लोग जो अपने शरीर पर मन लगाते हैं। एक भिखारी था जिसका नाम था लाजर। कभी उससे ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर मेरी बीमारी दूर करो। कभी उससे कहा कि परमेश्वर मुझे कपड़े दो। क्या उससे कभी ऐसी कोई प्रार्थना की बाइबल में नहीं लिखा? उसका ध्यान कहां था? चाहे जो भी, मैं परमेश्वर का, बस बात खत्म करता हूं। वो परमेश्वर की आराधना करते होंगे, वो परमेश्वर क्या क्या कार्य करते होंगे, पहुंच गए स्वर्ग में। लेकिन जो अपने शरीर के ऊपर मन लगाता है, वो शारीरिक और सांसारिक, जो संसार की बातों पर मन लगाते, मेरे घर में अगर उसके घर में कोई मर गया मैं नहीं जाऊंगा, तो मेरे घर में कोई मर जाएगा तो वो भी नहीं आएगा। पहले से डर लगता है मेरे घर में कोई मर जाए, और मर जाए तब रोकते, और दूसरे के पास क्यों जाते, ताकि मेरे भी घर में कोई मर जाए तो आए। ये सांसारिक लोग, किसी के घर में शादी है और मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे घर में शादी में कौन आएगा? तो अच्छा खाना बच जाएगा, यह तो अच्छा। लेकिन नहीं, वो नहीं चलता, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उससे मुझे खाने पर बुलाया था, वो तो नहीं गया, वो तो भी शादी तो करता है ना, वो तो हम मान लेते। जाकर हमारे वडोदरा शहर में कई जगह पर कब्रस्तान है, और कब्रस्तान में जाकर देखना, वो भी हो सकता है उनमें से कई लोग ऐसे ही समझते होंगे कि मैंने होता तो मालूम नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन आज भी दुनिया तो वैसी ही चल रही है, हमारे जाने से नहीं जाने से कभी कुछ नहीं होता। वो तो आपको प्रेम से बोल देते आपको आना पड़ेगा शादी में, उसको बोला नहीं आऊँ शादी नहीं करेंगे, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन शादी के दिन तो याद भी नहीं करेंगे। मरने वाला ऐसा बोला मैं दफन नहीं हो जाऊंगा, या उसके रिश्तेदार ऐसा बोलेंगे तू नहीं आएगा दफन नहीं करूंगा। ये सारी सांसारिक बात है, जाओ ना जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे जाने नहीं जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपके पास वक्त है, आप जाओ, को दिलासा तो कोई बात नहीं, प्रभु को छोड़कर सारे काम मत करो, परमेश्वर की संगति को छोड़कर सारे काम ना करो, परमेश्वर के लहू और मांस को छोड़कर काम ना करो। हालेलुया, हालेलुया। पहले ही एक, फिर को मैं तो बोलता हूँ कोई मर जाए तो 10 दिन तक लगातार जाओ उसके घर में, घोसला तो उनको कोई बात नहीं, परमेश्वर है, और परमेश्वर भी बोलते हैं कि ऐसे के घर में जाओ कोई बात नहीं, शादी है जाओ कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर पहले, परमेश्वर का काम छोड़कर, परमेश्वर का लहू और मांस को छोड़कर, संगति को छोड़कर पहले ये काम मत करो। पहले ये, जब ये है तो उनको मना कर तो नहीं आ सकता, पहले ये काम करो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यही बात जो है वो हमको सिखाना चाहते, लेकिन फिर भी जो लोग ऐसे काम में पड़ रहते हैं वो है सांसारिक लोग, वो है संसार। और परमेश्वर क्या बोलते हैं कि संसार के लोग, संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, मतलब पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते, क्योंकि वो उसको देखता भी नहीं और उसको जानता भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सांसारिक है वो पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते और वो जानते भी नहीं, और जानते नहीं है, देखते नहीं है, इसलिए वो पवित्र आत्मा को पा भी नहीं सकते। पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते तो परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते तो स्वर्ग में जा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अभी बाइबल में 25 ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरित के काम उसका 19वां अध्याय, प्रेरित के काम उसका 19वां अध्याय, और पढ़ो तो शुरू से। और जब अपुलोस करंत में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस में आया, और कई चेलों को देखकर उसने कहा, उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखो पौलुस, यहाँ पर कोई 12 चेले थे जो प्रभु से के वक्त उनके साथ थे, और यूहन्ना पत्रस वाले नहीं दूसरे थे, उनके साथ बात करते एक सवाल किया कि जब आप लोगों ने विश्वास किया तो आप लोगों ने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ये लोग कहना ये चाहते हैं कि हम लोगों ने तो पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। अब वो ध्यान समझना, ये कौन है? प्रभु यीशु के चेले, प्रभु यीशु का काम प्रकट करें, उनका राज प्रकट कर रहे, और पवित्र आत्मा के बिना तो परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। लेकिन ये तो काम भी कर रहे, ये तो सुसमाचार प्रकट कर रहे, और फिर उनको पूछा गया कि पवित्र आत्मा पाया, तो इन लोगों ने क्या बोला
हमने तो नाम तक नहीं सुना पवित्र आत्मा का। इसका मतलब ना तो इन्होंने नाम सुना है तो ना देखा है, ना देखा है तो जानते भी नहीं है। और प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि ऐसे लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ो क्या लिखा है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। तो सारा पवित्र आत्मा से परे, जबकि ना तो पवित्र आत्मा का नाम जानते थे, ना तो नाम जानते थे तो देखा भी नहीं था, और जानते भी नहीं थे पवित्र आत्मा के बारे में। प्रभु उसको तो कहकर गए कि संसार उसे नहीं पा सकता क्योंकि उसको देखता नहीं और उसको जानता भी नहीं। तो फिर ये लोग भी देखते नहीं थे, इन लोगों ने भी पवित्र आत्मा को जाना नहीं था, नाम भी नहीं सुना था, तो इन लोगों ने पवित्र आत्मा कैसे पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में एक अद्भुत भेद हम सभी को बताने के लिए जा रहे, और परमेश्वर हमसे खुलकर एक बात पवित्र आत्मा के बारे में आज हमको कहने के लिए जा रहे। यहाँ पर ये लोग 12 लोग जो थे पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते। इन लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं देखा था, इन लोगों ने पवित्र आत्मा को नहीं जाना था। और परमेश्वर अपना काम भी पवित्र आत्मा देखकर ही करवाते हैं, लेकिन ये बिना पवित्र आत्मा परमेश्वर का सुसमाचार भी प्रकट कर रहे थे। तो प्रभु ने जो बोला कि संसार उसे देख नहीं सकता, उसे जानता नहीं, इसलिए संसार उसे पा नहीं सकता। तो फिर इन लोगों ने जिन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं जाना था, नहीं देखा था, इन लोगों ने पवित्र आत्मा को कैसे पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान बनाए रखना। प्रभु से ये कहना चाहते, संसार उसे ग्रहण नहीं करता क्योंकि संसार उसे जानता नहीं और संसार उसे देखता नहीं। और संसार का मतलब हम देख गए कि संसार का मतलब जो संसार की बातों पर मन लगाता है, ऐसे लोग नहीं पा सकते, ऐसे लोग नहीं देख सकते, ऐसे लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते। ये 12 तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल पड़े थे, चाहे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये सांसारिक लोग नहीं थे, ये संसार में फंसे हुए लोग नहीं थे, ये संसार से बाहर निकल चुके थे, और इसलिए पवित्र आत्मा की जानकारी इनको पौलुस से मिल गई। पौलुस भी पहले कौन से जानते थे, लेकिन संसार को छोड़ा तो जानने को मिल गया, पवित्र आत्मा से भर गए। तो संसार नहीं पा सकता, तो जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार की बातों पर मन लगाते, ऐसे लोग नहीं जान सकते, लेकिन ये लोग सांसारिक नहीं थे, इसलिए इन्होंने प्रभु को ना जानते हुए भी, पवित्र आत्मा को नहीं देखने के बाद भी, उनका नाम नहीं सुनने के बाद भी उनको पा लिया। क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं बोला है कि जो सांसारिक नहीं है और फिर भी नहीं जानते और नहीं मानते, नहीं देखा, वो भी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं। जो सांसारिक लोग है बस वही लोग पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। तो ये जो 12 लोग थे वो सांसारिक नहीं थे, संसार छोड़कर निकले थे, इसलिए जब उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना तो इनको पवित्र आत्मा जो है वो मिल गई। बहुत बढ़िया बात हमारे परमेश्वर आज हमको बता रहे। प्रभु से कहा था, लेकिन प्रभु से कहने का मतलब यही था। अब पवित्र आत्मा जो है वो इनको मिल गई, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को देखा नहीं था और जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को जाना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी पवित्र आत्मा को पा लिया क्योंकि संसार से ये लोग अलग हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को राजा चुना और शमूएल को बोला कि शमूएल कल तेरे पास शाऊल नाम का एक लड़का आएगा और तू उसका अभिषेक कर देना और उसको यहाँ पर राजा बना देना। और शाऊल वहां पर पहुंच गए। पर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन। पहला शमूएल 10, 5, 6, 7।
तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। हाँ, जब शाऊल का अभिषेक हो गया तो शमूएल उनको बता रहे, उनके साथ बात कर रहे हैं, जहाँ फिलिस्तीनियों की चौकी है। हाँ, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, हाँ, परमेश्वर शाऊल की आत्मा से शमूएल इस शाऊल से बात करे कि जब तू फिलिस्तीनियों की जहाँ पर छावनी वहाँ पर पहुँचेगा, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, हाँ, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ, एक भविष्य वक्ताओं का पूरा दल जो है वो तुझे आता हुआ दिखाई देगा। और उनके आगे सितार, डब, बांसुली और वीणा होंगे। हाँ, और वे नबुवत करते होंगे। हाँ, वो लोग सारे परमेश्वर के वचन पुकारते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने कहा, तब पवित्र आत्मा शाऊल तुझ पर भी बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तू और ही मनुष्य हो जाएगा। अभी देखो, शाऊल ने ये नहीं पूछा कि शमूएल पवित्र आत्मा है क्या। शाऊल ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर का आत्मा है क्या, मैं जब जाऊंगा भविष्यवक्ता लोग मुझसे मिलेंगे तो मेरे अंदर कैसे आएंगे, कोई सवाल शाऊल नहीं कर रहे। इसका मतलब शाऊल, उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम सुना है, पवित्र आत्मा को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को किसी के अंदर देखा भी है। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो कोई सवाल नहीं हुआ ना। अगर नहीं जानते होते, ना देखा होता, ना सुना होता, तो सवाल करते कि परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है क्या। लेकिन शाऊल नहीं सवाल कर रहे, इसका मतलब शाऊल वो पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से जानते हैं। उनको मालूम है कि पवित्र आत्मा है क्या। और शाऊल, उन्होंने पवित्र आत्मा को पा भी लिया। और पहले शमूएल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय उसका 6 वचन, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। हाँ, शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा पूरे बल से उतरा। जो लोग परमेश्वर के वचन पुकार रहे थे, उस भविष्यवक्ता के टोली में भी पवित्र आत्मा मिले, एक बार फिर से यहाँ पर भी पवित्र आत्मा से ये भरपूर हो गए, लड़ाई करने के लिए गए और इज़राइल लोगों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाया भी, परमेश्वर का काम भी किया। लेकिन 2 साल के बाद ये शाऊल सही से नहीं चले। 2 साल के बाद उन्होंने कुछ गुनाह किया, उन्होंने पाप किया और पाप की वजह से पवित्र आत्मा उनके जीवन से चले गए। और पहले शमूएल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 14वां वचन, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया, चले गए। देखो, पवित्र आत्मा जो है वो शाऊल हो बैठे। हालेलुया, हालेलुया। वो वापस सांसारिक बन गए, शारीरिक दशा में आ गए और शरीर की अभिलाषाएं, संसार की इच्छाएं अब इनके जीवन में जो है वो काम करने लगी। शाऊल सोचने लगे कि मेरे बाद मेरा बेटा जो योनातान है वही राजा बनना चाहिए, दाऊद राजा नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा कहा था प्रभु उसने कि संसार उसे पा नहीं सकता, क्योंकि उसे देखता नहीं और उसे जानता नहीं। शाऊल वो पवित्र आत्मा को जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को देखा हुआ है, पवित्र आत्मा के नाम के बारे में भी उन्होंने जाना है और इसलिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए भी, लेकिन पवित्र आत्मा चले भी गए। वो जो 12 चेले नहीं जानते थे, कभी नाम नहीं सुना था, उनके अंदर पवित्र आत्मा आए तो कभी नहीं गए, और शाऊल के अंदर आत्मा आए तो वापस चले भी गए। कारण क्या, ये वापस सांसारिक हो गए। पहले जैसा जीवन था वैसे ही जीवन संसार में जीवन जीने लगा। क्या होता है संसार का मतलब, क्या होता है। शाऊल तो सब कुछ जानते थे,
लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा उनके जीवन से चले कैसे गए। हालेलुया। अगर शाऊल सही रीति से पवित्र आत्मा को जानते होते तो पवित्र आत्मा उनके जीवन से वो कभी नहीं जाते। और एफिसी में ऐसा लिखा है, एफिसी का दूसरा अध्याय का पांचवा वचन, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह से क्या हुआ है? उद्धार हुआ। तो किसका उद्धार हुआ है? कोई जिसका उद्धार हो चुका है? उद्धार हो गया? डरो मत, उद्धार हो गया है कि नहीं हुआ? हुआ। कोई अंकलेश्वर से आया, कोई पास से आया, अगर सभी का उद्धार हो गया हो तो मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे साथ चल। रेडी सब? सब रेडी मेरे साथ आने के लिए? आया ना? वापस घर पर नहीं जाना? हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार हमने एक वचन देखा था पिछले संडे, मैं बता देता हूँ, पूछता नहीं वचन याद नहीं रहता ना, इस कारण समस्या हो रही है ना। वचन याद रखते ना तो उसके अनुसार चलते। अभी पिछले संडे की भी बात नहीं कर रहा, पिछले संडे और इस संडे के बीच में हमने ऐसा सीखा था, अभी तक किसी का उद्धार नहीं, लेकिन वचन याद नहीं। याद होता तो पता चलता कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। उद्धार तभी होगा जब प्रभु सुनेंगे, हम उसके पास चले जाएंगे। आज आप सभी लोग चाहे परमेश्वर में आत्मा से चलते हो, लेकिन आज भी आप बंधे हुए, आपको घर वापस जाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका, आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपकी जॉब हो, आपको जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी संपूर्ण उद्धार जो हमारा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो वचन पढ़ा है एफिसी 2 का 5, उसमें क्या लिखा है? कैसे पढ़ो? हाँ, कैसा लिखा है फिर से पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। प्रभु ने बोलते तुम्हारा उद्धार होगा, वो तो बोलते हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ऐसा बोल सकते कि उद्धार हुआ, जबकि सही में तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उद्धार हुआ ऐसे क्यों लिखा है? एक बार एक प्रोग्राम आता है टीवी पर, कौन बनेगा करोड़पति, जब से परमेश्वर में तब से देखना बंद हो गया सब कुछ। लेकिन उसमें एक बार एक लड़का आया था, मैंने सुनी हुई बात, देखा नहीं, और जो भी उसको सवाल पूछते थे वो तुरंत उत्तर, जैसे उसको सब कुछ आता है पूरे आत्मविश्वास के साथ, जो भी सवाल तुरंत उत्तर। अभी हुआ आखिरी सवाल, अभी उसका उत्तर देते था तो मालूम नहीं 1 करोड़ था, 5 करोड़ थे, कितने थे मालूम नहीं, वो सारे उसको हो जाने वाले। अगर नहीं देता वहां से निकल जाता तो जितना जीता उतना उसको मिलने वाला था मालूम नहीं। अगर वही गलत होता है तो मालूम उसको कितने मिलने वाले थे उसको मालूम नहीं। आखिरी सवाल और इससे उत्तर नहीं दिया, वो ध्यान समझता है एक हकीकत हो गई, मेरे से सुनिए, लेकिन इसका अखबार में आया था इसलिए मुझे याद है। अब ये क्या हुआ, आखिरी सवाल और उसने बोला कि मैं, उसने एक भी लाइफ लाइन नहीं यूज की थी, लेकिन आखिरी साल में उसने बोला मुझे लाइफ लाइन चाहिए। और आखिरी साल में हाँ बोले क्या बोले फ्रेंड ऑफ फैन और फोन बता हाँ तो बोला वो कर रहा है। बोले ठीक है, कहाँ पर किसके साथ बात कर रहा था अभी? तो बोले मेरी मम्मी के साथ। अभी उनको फोन लगाया गया, उसकी मम्मी को उसने क्या बोला मालूम है? मम्मी मैं जीत गया। अभी सवाल दे दे, सवाल का जवाब देना बाकी है। उसकी मम्मी को उसने मैं जीत गया, पूरे सारे सवाल का जवाब नहीं आखिरी बाकी है, लेकिन मुझसे आता है वो तो मैं एडवांस में बता रहा हूं, मैं जीत गया जबकि जीता नहीं था। सामने जो बैठा था वो
परेशान हो गए, बोले आपको मालूम था हाँ, बोले फोन क्यों एडवांस बता दिया, खबर दे दी, मैं जीत गया, फिर जवाब दे दे जवाब इसका, ये एडवांस में क्यों बताया, जान प्रभु सुबह एडवांस में बोल तुम्हारा उद्धार हो गया, ये सभी के लिए नहीं, जिनको परमेश्वर जानते कि आज भी सही से जीवन जी रहे और हमने इन दिनों में नहीं सीखा, उद्धार हुआ तब बोल सकते कि आप 100% आज भी जीवन जी रहे, तो आप बोल सकते कि मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु से यही कहना चाहते कि उद्धार हुआ, मतलब कहना ये चाहते कि आज भी अगर कोई 100% सही से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है तो वो कह सकता है कि हाँ मेरा उद्धार जो है हो चुका है। तो प्रभु उसने अपने चेलों से ऐसा कहा था, संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता क्योंकि उसको जानता नहीं और उसको देखता भी नहीं। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि जो सांसारिक लोग हैं वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते, लेकिन कौन पा सकता है, जो सांसारिक नहीं, चाहे फिर नाम नहीं जाना है, चाहे फिर उसने पवित्र आत्मा के बारे में पहली बार सुना है, देखो संसार में नहीं है, जिस तरह से 12 चेलों ने पा लिया, प्रेरितों के काम 19 अध्याय ने पढ़ा कि, और शाऊल उसने पा लिया क्योंकि पवित्र आत्मा को जानते थे, लेकिन सही में तो खो बैठे हो, अगर जानते होते तो वो पवित्र आत्मा को नहीं खोते। पवित्र आत्मा को जानने का मतलब क्या होता है, कब हम कह सकते कि पवित्र आत्मा को जानना, पवित्र आत्मा क्या है, हमारा बयान है, अभी स्वर्ग में जाने का टिकट है, हमको खो देगा इसको क्या? अगर जानता है कि मेरी टिकट है तो स्वर्ग में जाने पहुंचने वक्त तक क्या वो खोएगा कभी पवित्र आत्मा, लेकिन जो जानता नहीं कि मेरी टिकट है, जो जानता नहीं है मेरा बयाना है, और जो ये नहीं जानता कि इस धरती पर काम करने के लिए भी मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वही पवित्र आत्मा को खो सकता है। इसका मतलब ऐसे लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते, सांसारिक लोग नहीं जानते कि सही में चाहे उसने नाम सुना है, चाहे उसने किसी भविष्यवक्ता के अंदर पवित्र आत्मा देखा हुआ है, चाहे उसने चमत्कार देखे हो, लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 27 वचन, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, अब ऐसा प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। अभिषेक सिखाता है, कौन सिखाता है? अभिषेक। लेकिन यूहन्ना 14:26 में क्या लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो वो सिखाएंगे, तो पवित्र आत्मा ही हमारा अभिषेक है। हालेलुया। अगर कोई ये जानता हो कि पवित्र आत्मा तो मेरा अभिषेक है, वो कैसे उसको खो सकता है, वो गलती से भी उसको नहीं खो सकता है। तो प्रभु उसने इसीलिए एडवांस में बोल दिया कि संसार उसे नहीं पा सकता क्योंकि उसको ये सारी बातें नहीं मालूम कि पवित्र आत्मा है, वही टिकट है, वही स्वर्ग में जाने का बयाना है, वही हमारा अभिषेक है, नहीं जानते तो कैसे पाएंगे वो लोग। लेकिन जो जान लेते चाहे उन्होंने कभी नाम नहीं जाना, लेकिन उनको पता चल जाता है कि यही बयाना है, यही हमारे टिकट है, यही हमारा अभिषेक है, यही हमको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, यही हमको चलाते हैं, तो वो लोग तो नहीं कभी नहीं खोएंगे। एक बार पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे तो वो कभी नहीं खो सकते उसको, कौन? जो पवित्र आत्मा को जानते हैं। वो संसार में कभी जीवन जी नहीं सकता, वो संसार की बातों से भाग ही निकलेगा, वो संसार में गलती से भी कभी नहीं वो फंसेगा। लेकिन संसार के लोग जो है जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते वही पवित्र आत्मा को खो बैठते, और पवित्र आत्मा को खो बैठने के बाद भी सांसारिक लोग यही समझते हैं कि अभी भी मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। शाऊल के अंदर से जब पवित्र आत्मा चले गए उनको नहीं पता चला था कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा चले गए, फिर भी राजा की सीट कभी नहीं छोड़ी उन्होंने, और वो बने रहे, राजा ही बने रहे जब तक मरे नहीं, क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं था कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से चले गए,
और न्याय की किताब में लिखा उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी गात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर चले गए थे लेकिन शिमशोन को पता था कि संसार का आदमी, संसार में रहने वाला, अगर पवित्र आत्मा आ भी गए तो भी वो खो बैठता है, जानता है। और खो बैठने के बाद क्या होता है मालूम है? पवित्र आत्मा फिर भी कभी कभी उसके पास आता है, बहुत ध्यान समझता है। एक बार पवित्र आत्मा खो दो तो भी पवित्र आत्मा कई बार कभी कभी आ जाते और अपना काम करवा कर चले जाते, फिर हमेशा के लिए नहीं आते, फिर रहने के लिए नहीं आते, लेकिन कभी कभी अपना काम करवाने के लिए आ जाते और चले जाते। और ऐसे लोग भ्रम में रहते, आज भी मेरा इस्तेमाल होता है, आज भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इसलिए मुझे वचन याद रहते, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो है वो भ्रम में रह जाते, उनको ऐसा लगता है कि आज भी पवित्र आत्मा जो है वो मेरे अंदर है, इसे भ्रम में रह जाते। वो ध्यान समझना कि पवित्र आत्मा को खोना मतलब हमेशा के लिए हो जाता है, और दूसरी बार पाना बहुत मुश्किल है। शाऊल हर बार वो दाऊद को वो पकड़ने के लिए भाग रहा है, हर बार दाऊद को मारने के लिए भाग रहा है। और एक बार उसको पता चला कि नायस नाम की एक जगह है, वहां पर ये दाऊद छुपे हुए हैं और दाऊद के साथ शमूएल भी है। और जैसे शाऊल को पता चला तो बाइबल में हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 19वां अध्याय, पहला शमूएल 19 और 20 वचन से पढ़ो। तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे। वो ध्यान समझना कि दाऊद को पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबुवत करते हुए और वहाँ पर भविष्यवक्ता लोगों को देखा और उनको परमेश्वर के वचन बोलते हुए देखा और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा। देखो तब पवित्र आत्मा इन सभी लोगों के ऊपर आए और वे भी नबुवत करने लगे और वो भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। वो ध्यान समझना, ये लोग परमेश्वर के अभिषिक्त दास दाऊद को पकड़ने के लिए गए। क्या कोई परमेश्वर के अभिषिक्त दास को मारने के लिए जाए, क्या उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर, क्या उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर सकते? लेकिन बाइबल में लिखा ऐसे लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आए। ये कहां जानते पवित्र आत्मा के बारे में, ये कहां पवित्र आत्मा को समझते, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर आए, ऐसा बाइबल में लिखा है। फिर पढ़ो आगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे। देखो ये लोग सब परमेश्वर के वचन पुकारने लगे और शाऊल को पता चला, तो शाऊल ने क्या किया? हाँ, इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और लोगों को भेजा, जाओ दाऊद को पकड़ कर लेकर आओ, उसको मारना है। और लोग गए और वे भी नबूवत करने लगे और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आए, ये भी सभी लोग परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। देखो दूसरे लोग गए, ये भी पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। फिर आगे पढ़ो। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे, फिर तीसरी बार लोगों को भेजा और वे भी नबूवत करने लगे और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आए और वो सारे भी परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, जो सांसारिक लोग हैं, जो परमेश्वर के दास को मारने के लिए जा रहे, ऐसे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और वो परमेश्वर के वचन पुकारने लगे। फिर तब वह आप ही रामा को चला। हाँ, अभी शाऊल ने सोचा है सभी लोग वहां जाकर मेरा तो काम कर नहीं रहे, मुझे ही जाने दे, मैं दाऊद को पकड़ कर लेकर आता हूँ। आप शाऊल गए और उस बड़े गढ़े पर जो सेकू में है पहुँच कर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहाँ है। किसी ने कहा वे तो रामा के नबायोत में है। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा। देखो और परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर भी है, वो तो खो बैठे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी आए और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबुवत करता हुआ चला गया। ये भी परमेश्वर के वचन को पुकारने लगा। बहुत ध्यान संबंधक, पहले एक दल को भेजा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा, ये सभी परमेश्वर के वचन पुकार रहे। दूसरी बार भेजा, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा, वो भी वचन पुकार रहे। तीसरी बार भेजा, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा और वो भी वचन पुकार रहे। शाऊल गए, शाऊल के ऊपर भी पवित्र आत्मा
वो भी वचन पुकारने लगे। फिर आगे क्या लिखा है? और उसने भी अपने वस्त्र उतारे। उसने भी अपने वस्त्र उतारे, मतलब तीन बार जो दल भेजा था उन लोगों ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे। और समूएल के सामने नबूवत करने लगा और नंगा होकर परमेश्वर का वचन पुकारने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा और नंगा पड़ा रहा। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से समझ, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते, ऐसे लोग जो सांसारिक लोग, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरे, उन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को पुकारा, लेकिन कैसे? नंगे होकर। समझ लो, कोई नंगा होकर परमेश्वर के वचन पुकारे, उनकी संगति में कौन बैठेगा? उसकी इज्जत क्या है ना? अभी पवित्र आत्मा का काम क्या किसी को नंगा करना है? लेकिन संसार में हो गए ना, संसार की बातों में फंसे हो गए और पवित्र आत्मा आएंगे तो नंगा कर देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा संभल कर उनको अंदर रखना ऐसी ऐसी बात नहीं, उनको पाना ऐसी ऐसी बात नहीं। संसार से हटना पड़ता है, संसारिक बातों से दूर होना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है। सब करो, शादी में जाओ, बर्थडे में जाओ, कोई मर जाता है वहां पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर गए, मतलब संसार में आ गए, और संसार में हो गए तो पवित्र आत्मा कभी ना कभी आपको सबके सामने नंगा कर। और जिस तरह से आदम को छुपने की जरूरत पड़ी, ऐसे छुपने की जरूरत पड़ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा सही रीति से हम पर आए तो अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा अगर इस रीति से हमारे ऊपर आ गए तो हालत बिगाड़ कर रखे। और साउल तो फिर भी बल्ले बल्ले, अरे क्या, लोग तो कपड़े पहनकर परमेश्वर का वचन पुकारते, मैंने तो नंगा होकर पूरे दिन और पूरे रात प्रचार किया, और मेरे साथी लोगों ने भी, वो तो अभी भी यही भ्रम में, मैं तो पवित्र आत्मा से भरपूर होता हूँ, नहीं पता चलता। और इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सावधानी बरतना। जो पवित्र आत्मा की उपेक्षा करते हैं तो पवित्र आत्मा उनकी उपेक्षा करते हैं और लोगों के से भी करवाते हैं कि देखो ये एक दिन मुझे इसने पाया था, देखो मैंने इसकी हालत क्या की। ध्यान से समझना। और बाइबल में लिखा है न्यायों की किताब इसका 16 अध्याय और पढ़ो तो 28 वचन से, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बदल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। अभी शमशन प्रार्थना कर रहे, प्रभु एक बार बल दे दो ना। कोई आत्मा से पहले बल था, कोई आत्मा के सामर्थ्य सब कुछ करते थे, अब बोल एक बार फिर से वही पवित्र आत्मा दे दो, वही बल दे दो आखिरी बार। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खम्भों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और सिमसोन ने कहा पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा, सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे। हाँ, मरते समय जिनको मार दिया, मैं खुद भी मर गया ना सैमसन। उसने आखिरी बार फिर से मांगा मुझसे बल दो, ते बल किसका था? पवित्र आत्मा का। और इसने क्या किया? खुदकुशी कर ली। क्या पवित्र आत्मा खुदकुशी करवाने के लिए आते? लेकिन पवित्र आत्मा को संभाल कर नहीं रखोगे ना, और वो गवाह बैठोगे ना, और दूसरी बार कभी आप संसारिक बोलो आए ना, हो सकता है खुदकुशी करवा दे, हो सकता है खत्म हो जाए। इसको तो ऐसा लगता है मैं आज भी परिस्थिति लोगों को मार रहा हूं, लेकिन साथ में तू भी तो मर रहा है। और इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में सावधानी बरतना, इनको खोना ऐसी ऐसी बात नहीं है। बिलाम हर बार वो यही चाहता था कि मुझे सोना मिल जाए, मुझे चांदी मिल जाए। बालक जो बोल रहा था कि तू इसराइल लोगों को श्राप दे, इसराइल लोगों को श्राप दे। और ये बिलाम ऐसा था कि जो पवित्र आत्मा से भरा होता परमेश्वर उसके साथ बात कर रहे थे, लेकिन
लालच के कारण उसने पवित्र आत्मा वो खो दिए। पवित्र आत्मा उसके जीवन से चले गए। गद्दी पर बैठकर जा रहा है, गद्दी को परमेश्वर दिखाए रहे, लेकिन बिलाम को परमेश्वर नहीं दिखाई देते। आत्मा की आंखें बंद हो चुकी थी उसकी, लेकिन अभी पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पवित्र आत्मा इस बिलाम के ऊपर उतर कर आए। और बाइबल में हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसका 2वां वचन, और बिलाम ने आंखें उठाई और इसराइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा। हाँ। पर परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। हाँ, देखो ये तो लालच में फंसा होता, फिर भी पवित्र आत्मा उसके ऊपर आए। फिर 17-18 पढ़ो। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। ये बिलाम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर की बात करे, मैं उसको देखूंगा। फिर याकूब में से एक तारा उदय होगा। हाँ, ये प्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं, याकूब में से एक तारा मतलब प्रभु से आएंगे। और इसराइल में से एक राजा डन उठेगा। हाँ, एक राजा उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। देखो, इसने पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु से भविष्यवाणी भी की, ऐसा हो भी गया। लेकिन पवित्र आत्मा आकर उसके जीवन से वापस चले भी गए। और उसका 31वां अध्याय में ऐसा लिखा है, गिनती 31 और उसका 8वां वचन, और दूसरे जुड़े हुए को छोड़ उन्हें एवी रेकेम सूर हूर और रेबा नाम मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। देखो, बिलाम को मार दिया। पवित्र आत्मा खो बैठे थे, लालच में फंस चुके थे, सांसारिक बन चुके थे, फिर भी पवित्र आत्मा एक बार आए, अपना काम भी करवाया और उसी भ्रम में वो आखिर में वो मारा भी गया कि अभी भी मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, और वो मर भी गया। परमेश्वर ने मूसा को बोला था, तेरे हाथ के नीचे कुछ लोगों को ठहरा और 70 लोगों को ठहरा। और बाइबल में लिखा है गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 25वां वचन, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हाँ, जब तक पवित्र आत्मा उनके अंदर रहे तब तक परमेश्वर के वचन पुकारे, उसके बाद में पवित्र आत्मा चले गए, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। हालेलुया। तो ध्यान समझना कि पवित्र आत्मा प्रभु से बहुत स्पष्ट बोला, संसार नहीं पा सकता। सांसारिक लोग कभी भी पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते। अगर आप आत्मा में आए, आपने पवित्र आत्मा पा लिया और उसके बाद अगर संसार में चले गए तो पवित्र आत्मा चले जाएंगे, और उसके बाद अगर दोबारा कभी इस तरह से आए, हो सकता है आप नंगे हो जाओ, हो सकता है आपका नाश हो जाए, हो सकता है कोई आपका नाश कर दे, आप खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा ऐसे ऐसी बात नहीं है। उनकी उपेक्षा करने के बाद, अगर वो चले जाने के बाद, अगर दूसरी बार अगर अपना काम करवाने के लिए आते हैं और आप भ्रम में रहते हो कि मेरे पास तो अभी भी वो टिकट है, तो भूल जाना। अगर सांसारिक काम आपके जेब में दिखते हैं तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा चले गए। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था और आज उनके जीवन को मैं देखता हूँ, उनके जीवन में पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देती। पवित्र आत्मा खो गए लेकिन उनको आज भी नहीं मालूम कि मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं रहती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि अगर 7 बजे की मीटिंग हो तो 7:30 बजे हाजिर हो जाते थे, कोई और आए ना आए, लेकिन उनके बारे में मुझे इतना विश्वास होता था कि ये तो होगा ही होगा, ये तो होंगे ही। आज दूर दूर तक मीटिंग में दिखाई नहीं देते और फिर भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ, नहीं पता चल रहा है। आज भी उनको ऐसा लग रहा है, आज भी मेरे पास पवित्र आत्मा है, आज भी मैं पवित्र आत्मा में जीवन जी रहा हूँ। एक ऐसा परिवार हफ्ते में एक बार मेरे से मीटिंग करवाते थे, बार बार मिलना
हर रोज एक बार कम से कम फोन पर बात करना। आज पर सोशल मीटिंग बंद हो गई, आज भी हमारा रिश्ता है, लेकिन आज भी कभी काम हो तो मेरा फोन जाता है और उनका फोन आता है। सारे काम बंद हो गए, परमेश्वर का काम बंद हो गया, वापस संसार शुरू हो गया। आज भी वो प्रार्थना करते हैं और लोगों को छुटकारा मिलता है, चिंगारी मिलती है, और उनको आज भी ऐसा लगता है कि अभी भी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जबकि संसार में रहकर वो खो बैठे, लेकिन उनको पता नहीं चलता। और ध्यान से समझना कि पवित्र आत्मा वो ऐसी वैसी चीज वो नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने देखा था जो गवाही देते थे कि हम परमेश्वर के पीछे चलते, हमें संसार के ज्ञान की जरूरत नहीं, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान हो हमारा काम करते। आज संसार के ज्ञान पर भरोसा रखते हुए कभी इधर धक्का खा रहे, कभी उधर धक्का खा रहे, और आज फिर भी उनको नहीं पता चल रहा है कि मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा नहीं है। आज भी ब्रह्म जीवन जी, ये सारी बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये गलती आपसे ना हो, और गलती हो चुकी है तो एक बार फिर से सही रीति से संसार से दूर होकर जुड़ जाए, क्योंकि संसार, आपका समाज, आपके रिश्तेदार कभी आपको सब में नहीं पहुंचा सकते। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो टिकट है, उनके बिना जाना असंभव है। जो वचन आज हमने पढ़ा था लुका रचित सुसमाचार और 14 अध्याय और 15 से 24 वहां पर प्रभु से दृष्टांत कहा था कि परमेश्वर का राज कैसा है, और खाना रखा हुआ था, खाने में लोगों को बुलाया हुआ था। जब खाना बन चुका, वो दिन आ गया, और दासों को बुला जाओ, सभी लोगों को जिनको हमने इन्विटेशन दिया है सभी को बुला कर लेकर आओ खाने के ऊपर। और सब बुलाने के लिए गए तो सभी ने बहाना बताया, सभी ने एक साथ बहाना बताया। किसी ने बोला मैंने जमीन खरीदी है तो जमीन देखने के लिए जाना है, कोई बोलता है मैंने बिल खरीदा है मुझे बिल देखने के लिए जाना है, कोई बोलता है मेरे भी नहीं नहीं शादी हो मैं नहीं आ सकता। सभी ने एक साथ में बहाना बता दिया और कोई नहीं है। खाना बना हुआ था, राजा बोल रहा है कोई बात नहीं उसको तो बाद में देख लेंगे, खाना बना हुआ है बाहर जाओ, लंगड़े अंधे जैसे भी लोग मिले सभी को लेकर आ, खाना खिला रहा है। और जगह भर गई, और राजा जो है उन सबको देखने के लिए निकले, और जिन लोगों ने इनकार किया था उन लोगों का नाश कर दिया। लेकिन प्रभु उसको दृष्टांत देने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रभु उसने क्यों बोला कि ये दृष्टांत प्रभु उसको कहने की जरूरत क्यों थी, और कारण ऐसा था। हम पढ़ते उसका 15 वचन, उसके साथ भोजन करने वालों में से प्रभु उसको खाने खाने के लिए बैठे थे और वहां पर कोई बात कर रहा है। एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वो, आशीषित है वो जो परमेश्वर के राज्य में मतलब स्वर्ग में जाकर रोटी खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो आशीषित है जो स्वर्ग में पहुंच जाएगा और वहां पर रोटी खाएगा। जैसे ही प्रभु उसने बात सुनी कि किसी ने ऐसा कहा कि स्वर्ग में जाकर दो रोटी खाएगा, मतलब यहाँ तो हम साथ में खा रहे, आज भी खाने वाले, उसका कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत कर बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ इसी टाइम पर आपका पेट भर जाएगा, रात में घर पर जाकर फिर मांगने वाला। हालेलुया, इसका इतना फायदा नहीं। उसको ये समझ में आ गई बात कि यहाँ पर खाने से क्या फायदा, लेकिन वहां पर जो खाएगा वो स्वर्ग में जो पहुंच गया, बात अच्छी है, वो आशीषित है। लेकिन प्रभु ने जब बात सुनी तो उनके दिमाग में तो कुछ और ही सोचा है, और उन्होंने दृष्टांत कहा, क्या कहा पढ़ो तो आगे। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, जब भोजन तैयार हो गया। अभी देखो, एक बड़े इंसान ने भोजन रखा और बहुत लोगों को बुलाया, ये बड़ा इंसान कौन है? यही परमेश्वर है, ये बड़ा इंसान परमेश्वर। उन्होंने स्वर्ग में भोजन रखा, सभी लोगों को बुलाया, हमको भी बुलाया, फिर
जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा। हाँ, किसको कहला भेजा? आमंत्रित लोगों को। हालेलुया, स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ग में जाने के लिए क्या चाहिए? बयाना। कौन है बयाना? टिकट क्या है? हाँ, ये आमंत्रित लोग है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनको बुलाने के लिए भेजा। आओ अब भोजन तैयार है। हाँ। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। हाँ। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। जिनके पास पवित्र आत्मा थे, जिनके पास टिकट थी, जिनके पास बयाना था, उनके पास लोगों को भेजा और वहां पर गए तो पता चला टिकट तो गवा बैठे, टिकट तो फाड़ कर बैठे, टिकट तो चबा ली, वापस संसार में चले गए। हालेलुया, शादी, ब्याह, बेल, संसार, ये सारी बातें आ गई। परमेश्वर इनको तो इनविटेशन दिया था, इन लोगों ने तो मेरे पास उपवास के साथ मांगा था, इनविटेशन दो, इनविटेशन दो। ये लोग तो संगति में जाते थे और इन लोगों ने तो पश्चाताप किया था, इन लोगों ने तो बपतिस्मा लिया था, तभी तो मैंने पवित्र आत्मा दी इनको, तभी तो मैंने टिकट दिया। और टिकट दे रहा इनके पास, मेरे टिकट कितनी उपेक्षा, मेरे टिकट गवा बैठे। किसके लिए? एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए, अरे बेल के लिए, संसार के लिए, एक खेत के लिए। अरे वहां जो मिलना है उसका मूल्य कितना है वो पता चलता है। मालूम है आप जब प्रभु को छोड़ते हो, आप जब मीटिंग छोड़ते हो, कितनी छोटी छोटी बातों में छोड़ते हो। मुझे एक बात तो ऐसी बताओ जो परमेश्वर के लोग से मूल्यवान हो, तब तो मैं मानू आपका बहाना सही है। देखो आपके पास ऐसा बहाना, फालतू कारण। बरसात है ना, अकाल पड़े क्या परमेश्वर तेरे लिए? समझ में नहीं आती बात। आज मेरे घर रिश्तेदार आ गए तो उनको ही बोलो पहुंचा दे ऊपर, ताका दे दो, वो तो नरक में जाएगा, दूसरे भी नरक में ले जाने के लिए तेरे घर पर आ गए, पता नहीं चलता। पर किसी के घर बर्थडे थी तो क्या खाते, आइसक्रीम खाते क्या, बिरयानी खाते क्या, तो क्या घर पर नहीं मिलती क्या? हालेलुया, ये बिरयानी उससे बढ़ गई, एक बार खाओ कभी भूख नहीं लगती। लेकिन भूख क्यों लगती है मालूम? याद रहे तुम, समस्या है। एक कारण तो ऐसा बताओ कि जिसके कारण हम प्रभु को छोड़ सकते, एक भी नहीं। सारे टिकट खोकर बैठे थे, उन्होंने जाकर बताया प्रभु ऐसा हुआ, परमेश्वर किसी के पास टिकट ही नहीं रहा। बोलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ो। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने आप बोला कि जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो टुंडे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे दो। मालूम है जिनको इनविटेशन दिया था वो इज़राइल के, और हम कैसे लोग मालूम, अंधे, लंगड़े, टुंडे, क्या हमारे पास कोई आत्मा थे? इज़राइल के बाद कभी किसी ने सुना था? अरे बोले इनको भी दे दो, जाओ खाना बनाए, चाहिए खाने वाले, हमारे पास ऐसे पवित्र आत्मा नहीं है, हमारी गिनती पवित्र आत्मा में थी नहीं। पत्रस जाने वाले नहीं थे कर्नेलियस के पास, नहीं जाना इसके पास, कहां पवित्र आत्मा आने वाले। लेकिन परमेश्वर बोला, जिसको मैंने शुद्ध किया नापाक मत गिन, जा। और वहां पर गए, फिर भी पत्रस नहीं देने वाले थे बपतिस्मा, लेकिन परमेश्वर ने पहले पवित्र आत्मा दिए दो, तो पत्रस की आंखें खुले। पत्रस बोलता है इनके ऊपर, अन्य जाति के ऊपर, अंधों के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर पवित्र आत्मा, तो फिर बपतिस्मा के लिए कौन मना करेंगे? दे दो, तब हमारे पास सब कुछ है, पवित्र आत्मा कृपा की और हमारी आंखें खुली, हमें पैर दिए कि ताकि दौड़कर हम बंदगी में जा सके, हमें हाथ दिए ताकि बाइबल को उठा सके, हमें आंख दी ताकि इसको पढ़ सके,
और आज इंसान मालूम नहीं इसको पाकर वापस कहां पर खो गया। और फिर पढ़ो आगे क्या लिखा है। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। आमंत्रित लोग जिनको मैंने टिकट दिया था लेकिन खो बैठे, जिनको पवित्र आत्मा दिए थे और खो बैठे, उनमें से कोई भी हालेलुया उसमें से कोई भी स्वर्ग न पाएगा। समझ में आ रही बात कि पवित्र आत्मा कितने मूल्यवान चीज है। ये टिकट है, ये बयाना है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा अभिषेक है। इतना अगर जानते होते ना तो कभी कोई नहीं तुमको खो बैठा। ये खो बैठने का कारण क्या है? नहीं जानते। संसार उसको पा नहीं सकता क्योंकि संसार है। और फिर कभी पवित्र आत्मा आते लेकिन नंगा कर कर चले जाते, पता नहीं चलता। फिर पवित्र आत्मा आते खुद कुछ कर रहे लोग मर जाते, फिर पवित्र आत्मा आते लोग नाश कर देते, उनको पता नहीं चलता। और फिर भी वो डांस कर रहे, आनंद कर रहे कि हमारे पास तो अभी भी पवित्र आत्मा है नहीं, कभी कभी आकर चले जाते। जो पवित्र आत्मा में लगातार बने रहते हैं वो संसार में गलती से नहीं जा सकते। हालेलुया। और इसलिए प्रभु से तब ये दृष्टांत दिया कि किसी ने बोला वहां पर जो रोटी खाएगा, तो प्रभु ने बोल दिया वहां पर कौन रोटी खाएगा? जिनके पास मैंने टिकट भेजा था और टिकट तो संभाल कर रखा है वही। अगर टिकट नहीं संभाल कर रखे होगी तो वहां पर रोटी खाने को नहीं मिलेगी। और इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में जागरूक रहो, उनको खो मत बैठो, संसार में मत जाओ। संसार को स्वर्ग नहीं दे सकता लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता। और इसलिए अपने आप को पवित्र आत्मा में बनाए रखो। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु सुखा के झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदल सकते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई उधर उधर ना देखे। मेरे प्रिय, ये वक्त है कि हम अपने आपको जांचें, हम अपने आपको परखें। क्या परमेश्वर ने मुझे टिकट दिया हुआ था? क्या मेरे पास पवित्र आत्मा की टिकट थी? क्या मेरे पास वो बयाना था? क्या आज भी मेरे पास वो बयाना है? कहीं ऐसा तो नहीं क्यों बयाना मैं खो बैठा हूं, मैं खो बैठा? अपने आप को जांच। प्रभु से कहते संसार उसको पा नहीं सकता। जो सांसारिक लोग है, जो संसार में चले जाते हैं, वही पवित्र आत्मा को खो बैठते हैं। जो संसार की बातों पर मन लगाते हैं, वही टिकट, अपना अभिषेक वो गवा बैठता है। ये बहुत गंभीर बात है कि पवित्र आत्मा की उपेक्षा करें। पवित्र आत्मा क्या का बयान है? परमेश्वर हमें जो संपत्ति देने वाले उसका बयान है, वो स्वर्ग जाने की टिकट है, वो हमारा अभिषेक है। इसको याद रखते हुए पवित्र आत्मा में बने रहो। अगर खो बैठे हो तो आज परमेश्वर से वादा करो कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी संसार में नहीं जाऊंगा, और तो ही परमेश्वर आपको दे सकते वापस और आपको बचा सकते। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो।